तो तुम क्या कहते हो, क्या तुम तैयार हो? वैसे भी सरपंच जो है वो लोनर ही होते हैं। मुझे कभी भी किसी चीज ने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया था अपने लाइफ में। मैं सिर्फ अपने लाइफ में कल्टीवेशन ही करना चाहता था, लेकिन क्वीन जो है वो सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए मेरे कल्टीवेशन में मदद कर रहा है। मेरा साथ देने में कोई नुकसान नहीं होगा और उसके बाद फिर हम कभी मिलेंगे भी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे रीपे करना चाहते हो मेरी काइंडनेस के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मॉर्टल हो तुम और मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत अंतर है। मॉर्टल्स जो होते हैं वो बहुत ग्रीडी होते हैं, इसलिए मैं कैसे तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ? मॉर्टल्स को चांद चौक तक पैसा और प्यार सभी कुछ चाहिए होता है। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड दोनों का अलग अलग है। मैं स्प्रिट हूँ और तुम इंसान हो। तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी के अभी तक 20 साल ही गुजारे हैं, लेकिन तुम्हारी डिजायर मेरे लिए इस हद तक पहुंच जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो सिर्फ एक सरपेंट ही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। हालांकि तुम दुबले पतले हो, लेकिन तुम्हारी स्किन जो है काफी फेयर है। तुम वाकई में काफी अच्छे दिखाई देते हो। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, जानते हुए भी कि मेरा अपना कोई अपीरियंस नहीं है, मेरा प्यार कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे ये ओन करते हो? क्वीन सोचता है कि यूनू को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी ये ठीक है, और इससे हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा यदि हम इसे एक तरह की डील के रूप में समझ लें। शायद वही करना चाहिए जो यूनू कहता है, और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए। तभी यूनू क्वीन की छाती पर उंगली रखता है और कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सब चाहते हो? तुम मुझे चाहते हो, इस बात के लिए तुम श्योर हो? क्योंकि इसे तुम रिपेमेंट की तरह सोचते हो, इसीलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है और मुझे ऐसा करने में कोई रिग्रेट नहीं होगा। मैं तुम्हारी काइंडनेस पर रिपेमेंट करूंगा, तो दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। तभी ये मुंह क्वीन की तरफ आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन होने लगता है। इसमें क्वीन और ये मुंह एक दूसरे को किस करते हैं, और क्वीन सोचता है कि इससे ज्यादा बोल वो पहले कभी भी नहीं था कि वो एक सरपंच के साथ प्यार करेगा। तभी वो सोच रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। तभी ये यीमू कहता है कि इसे एंजॉय करो, क्या तुम कंफर्टेबल हो? और वो उसके गले को हाथ लगाते ओके उसकी आंखों में देखता है। साथ ही दोनों के बीच में गर्मजोशी बढ़ जाती है। क्वीन सोचता है कि यीमू काफी नॉटी है, वाकई में वो बहुत नॉटी है, और साथ ही वो उसकी तरफ देखने लगता है। यीमू ने क्वीन को अपनी बाहों में जकड़ रखा होता है। उनके बीच में ये रात अधूरी सी पूरी सी होने लगती है। तभी क्वीन बोलता है कि उसे लाइट की जरूरत है, लेकिन यीमू जो है वो लाइट को उठा के फेंक देता है। क्वीन ब्लश कर रहा होता है। यीमू कहता है सब ठीक हो जाएगा और उसके होठों पे हाथ रखता है, लेकिन फिर भी क्वीन को शर्म आ रही होती है। यीमू कहता है कि मैंने जितना भी था उसे अब मेरी काइंडनेस का मैं रिपेमेंट बहुत अच्छे से करूंगा, इसे अवार्ड समझ के तुम्हें इंजॉय करना चाहिए। क्वीन को ये सब ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर भी वो टीम को रेसिस्ट नहीं कर पाता। अगली सुबह जब क्वीन की आंखें खुलती हैं, वो देखता है उसके साइड में कोई नहीं है, और तभी यीमू कहता है कि अगली बार हमें इसे अंधेरे में करना चाहिए, और क्वीन उसकी आंखों में देखता है। क्वीन आंखें बंद करके सोचता है कि यीमू सिर्फ आता जाता रहता है, शायद ये उसके लिए चैरिटी की तरह ही है। तभी एक लड़की आके पुकारती है यंग मास्टर। लड़की हाथों में पानी का भगोना लेके आई हुई होती है और यंग मास्टर की ओर देख रही होती है, और साथ में घंटी बजाती है और सोचती है कि टाइम हो गया है नहाने का। क्वीन नहाने की तैयारी करने लगता है और सोचता है कि वो किसी भी तरह यीमू को अपने से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तभी लड़की पूछती है कि यंग मास्टर, आपका बर्थडे आने वाला है, आपने उसके बारे में क्या सोचा है? क्या हमें हर बार की तरह घर पे ही जाके सेलिब्रेट करना चाहिए? क्वीन बोलता है ओके। लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि लेडी शीन ने आपके लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स किए हैं। क्वीन कहता है कि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो किसी भी चीज का कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो कुछ कर सकते हैं ना ही डीमन कुछ कर सकते हैं। 10 दिन के बाद शीन मैनर में सब लोग बिल के बात कर रहे होते हैं, और तभी वो बताते हैं कि क्वीन टाओ के पेरेंट्स बहुत पहले ही मर चुके थे। तभी से उन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अब वो उनकी बेटी
उसकी देख रेख करते हैं। तकनीकी सीन कहती है कि ये लड़की तुम्हें पिछले 10 सालों से देख रही है और ये तुम्हारे क्लोज भी है, तो इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ कराना चाहती हूँ एज ए क्वीन। क्वीन को थोड़ी देर पर समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लड़की को शर्म आती है और वो चुप खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी क्वीन बोलता है कि ठीक है माता, आपका रिस्पेक्ट के लिए मैं ये चीज को स्वीकार करता हूँ। लड़की क्वीन के माता पिता के सामने जाके उन्हें ग्रीट करती है। वो काफी बिजी होता है काफी दिनों से और उसने सारे अरेंजमेंट अपने माता पिता के ऊपर छोड़ दिए होते हैं, और तभी सभी लोग आके उसे मुबारक देते हैं और उसके साथ वो बैठ के वाइन पीता है और वो अपने आप को काफी बिजी रखने लगता है। क्वीन रात को अपने व्हील चेयर में बैठ के बाहर निकल के बैठा होता है और सोचता है कि अब उसे टीमों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मिसेस शीन कहती है कि ज्यादा देर बाहर मत रहना, टावर तुम्हारा तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है। क्वीन अपने मन में सोचता है कि वो वापस उस कमरे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि क्वीन को एक आवाज सुनाई देती है जिसमें एक लड़का कह रहा होता है कि ए तुम मुझे वो चीज वापस कर दो, ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, ये तुम मुझसे नहीं ले सकते, इसे वापस करो। क्वीन अभी देख ही रहा होता है कि क्या हो रहा है, तभी उसकी तरफ कोई एक तीर आता है और उसका कप टूट जाता है और वो देखता है कि यमु भी आ चुका है और वो उससे पूछता है कि फाइनली तुम आ गए। यमु क्वीन को हग करता है, फिर उसे कुर्सी पे बिठाता है और पूछता है कि अब तुमने मुझे बहुत देर से देख लिया है तो आगे की बात करें। तभी एक लड़का भागता हुआ आता है और बोलता है कि मेरा नाम मिंशी है और मैं टॉर्टाइस क्रिस के टेम्पल के से आया हुआ हूँ। क्वीन बोलता है अच्छा, और वो अपना परिचय देता है कि वो क्वीन है। तभी लड़का बोलता है कि हम यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं और ये जो चीज है मेरे हाथ में वो मेरे मास्टर ने मुझे दी है, जो उन्हें किसी ने एक मैजिक क्लॉथ है जो इस सर्पेंट ने मुझसे ले लिया है और अब आप ही हमारे बीच का फैसला कीजिए। यूनु बोलता है कि वो मेरा कपड़ा था इसलिए मैंने उससे वापस ले लिया। क्वीन अपने मन में सोचता है कि मैं क्या ही फैसला करूंगा, मेरा दिल तो ऑलरेडी यूनु की तरफ है तो ऑब्वियसली मैं यूनु का ही साइड लूंगा। लड़का बताने लगता है कि कैसे इस सरपंच ने वो मैजिक क्लॉथ को चोरी किया है। क्वीन कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि यूनु ने एक मैजिक क्लॉथ को तुम्हारे पास से चोरी किया है। तभी लड़का बोलता है कि हाँ। क्वीन पूछता है कि क्या ये वही चीज है जिसे तुम रिट्राइव करने गए थे और ये जब तुमने अपनी स्किन को 200 साल पहले शेड किया था उसमें से कपड़ा निकला था, क्या ये वही है जो तुम ले रहे थे? रिमू बोलता है हाँ। रिमू बोलता है कि तुम्हारे मास्टर की टेंडेंसी है सभी को मार देने की, चाहे वो गुड हो या बैड हो या डीमन हो, वो सभी को मार देते हैं। लड़का गुस्से में आके बोलता है कि सारे डीमंस बैड होते हैं इसीलिए हमें उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। वो अपने वेब से मैजिकल पॉट निकालता है और बोलता है आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। तभी ये लड़का एक मंत्र पढ़ने लगता है जिसमें वो कहता है कि भगवान मेरी मदद करो, इस डीमन को एक्सपेल करने में, इस सांप स्पिरिट को भगाने में मेरी मदद करो। क्वीन सोचता है कि इसके पास एक और मैजिक ट्रेजर है। वो सोचता है कि यदि मैं जिनसे प्यार करता हूँ यदि मैं उन्हें बचा ना सकूँ तो फिर मेरा इस जीवन में क्या ही काम है, और ऐसा सोच के वो अपनी मुट्ठी को बीच लेता है और साथ ही अपनी व्हील चेयर पे पैर में थोड़ा सा और प्रेशर डाल के आगे की तरफ निकल पड़ता है। यूमू और वो लड़का उसको देख ही रहे होते हैं कि वो अपनी व्हील चेयर से लड़के को धक्का मार देता है और लड़का गिरने लगता है। जब लड़का गिर जाता है तो क्वीन उसके हाथ से एक पोटली ले लेता है और उसे सॉरी बोल देता है और उसके सिर पे एक पत्थर भी मारता है जिससे कि वो लड़का बेहोश सा हो जाता है और तभी वो उसका मैजिक पॉट अपने हाथ में ले लेता है और वो मैजिक पॉट को यीमू को देता है और कहता है कि ये शायद तुम्हारे काम आएगा। यीमू सिर्फ आ भरता है और कुछ नहीं बोलता। क्वीन बोलता है कि वो उसे उसके कमरे में वापस भेज दे। यीमू क्वीन को गोद में उठाता है और आगे चलने लगता है। तभी क्वीन उसके कपड़ों में हाथ लगाता है और जब वो उसको गोदी में ले जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं कैसे हम लोगों की आइडेंटिटी को भूल सकता हूँ, मैं शायद कभी भी यीमू के साथ रह नहीं सकता। क्वीन बोलता है कि उसे वो गोदी से उतारे वो एक दुल्हन की तरह लग रहा है और आज उसकी वेडिंग नाइट है और वो अपनी दुल्हन को देखने के लिए जा रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी रात तुम्हारे साथ गुजारूं? तभी यीमू बोलता है कि तुम इतना तेज बोलते हो, शायद इसलिए तुम इतने साल तक बोल नहीं पाए थे। क्वीन को गोद में उठा के कॉरिडोर की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी गोद में लिए लिए आगे की ओर चलता ही चला जाता है। कमरे में उजाला सा होता है जब वो कमरे में पहुंचते हैं, तब यीमू
को बिस्तर पर बिठाता है और क्वीन बोलता है, क्या तुम मुझे क्लीन कर सकते हो? ये मुंह जादू जैसा हाथ बढ़ाता है और उसको क्लीन कर देता है। ये मुंह देखता है कि वो एकदम साफ सुथरा हो गया है मैजिक के द्वारा। तभी वो एक कपड़े को गीला करता है और उस कपड़े से अपने बालों को पोंछने लगता है, क्योंकि उसके बाल गंदे से हो गए होते। अपने कपड़े उतार कर वो बोलता है कि मुझे तुम दिखाओ, और तभी ये मुंह उसकी कमर से उसको पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और कहता है कि बाद में तुम रिग्रेट मत करना। ये मुंह क्वीन के लंबे बालों को पोंछ रहा होता है और साथ ही उसके बालों से खेल भी रहा होता है। उसके कंधों पर हाथ रख के वो दिखाता है और उसे एक बॉक्स देता है जिस बॉक्स में एक चीज होती है। क्वीन पूछता है कि इसमें क्या है, तुम मुझे बताओ इसमें क्या है। और जैसे ही वो बॉक्स खोलता है उसमें एक पत्थर होता है। क्वीन बोलता है, क्या ये कैंडी है, क्या चॉकलेट है? क्वीन उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसमें पिंक रंग का पत्थर है। वो उसे देखता और देखता ही रह जाता है। तब क्वीन बताता है कि ये तुम्हारे बॉडी के लिए है। क्वीन बोलता है, क्या ये तोहफा तुम मेरे लिए लाया, वो भी ऐसा तोहफा? तभी वो बोलता है कि इतना भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तो मुझे को व्यस्त समझ लो तुम। तभी क्वीन कुछ अपने हाथ पे करने लगता है और उसके हाथ पे खून की बूंदे गिरने लगती है। क्वीन पूछता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? जो खून की बूंद गिरी थी वो एक मोती के रूप में बदल जाती है और यू क्वीन को वो मोती देता है और बोलता है कि जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तुम इस मोती को अपने हाथ पे रगड़ना और मुझे बुलाना। लड़का कहता है और अपने आप को बंधा हुआ पाता है और बोलता है, लॉर्ड शिन आपने मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? मेरे हाथों में भी रस्सी सी टाइट लगी हुई है, आप मुझे खोल क्यों नहीं देते? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तभी क्वीन बोलता है कि तुम्हें कभी भी बिना सोचे समझे किसी से वार नहीं करना चाहिए। लड़का बोलता है कि मैं किसी से भी नहीं, मैं डीमन से ही सिर्फ पार करता हूँ। और साथ ही पूछता है कि मेरा मैजिक वेसल कहाँ है? हाथों की रस्सियों को बंधा हुआ देख के लड़का अभी भी कुछ सोच रहा होता है। तभी क्वीन उसकी हाथों की रस्सियां खोल देता है और उसे बताता है कि ये जो सरपेंट है वो बुरा सरपेंट नहीं है, इसने एक बार मेरी जान बचाई थी। तो तुम्हें कभी भी किसी को भी ऐसे ही नहीं मारना चाहिए बिना कुछ जाने पहचाने। लड़का बोलता है वो सीन। तभी बोलता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा पॉट तुम्हें बाद में ही वापस दूंगा। लड़का बोलता है, ठीक है। साउथ पोल यार, जहाँ पर टाओ रहती है, टाओ आती है बोलती है मारता। लेकिन क्वीन उसे जाने को कहता है। लड़की सोचती है कि शायद क्वीन को कोई और पसंद है। क्वीन सोचता है कि इसकी शादी यूनु से हो जाए तो कितना अच्छा है, और यूनु भी उसकी फैमिली में आ जाएगा और यूनु के पास कोई घर होगा और उसे उस घर में रजिस्टर करा सकते हैं। तभी दरवाजे पे हाथ आता है। क्वीन आंखें खोल के देखता है और देखता है कि यूनु वहीं पे है और अभी तक गया नहीं। वो पूछता है कि तुम अभी तक गए नहीं? क्वीन पूछता है यूनु से कि आज रात तुम यहीं रहने वाले हो क्या? क्या तुम मेरे द्वारा लाए गए प्रेजेंट को ट्राई करना चाहते हो? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। कमरे में खुशबू भी फैल जाती है और क्वीन सोचता है कि इतने सारे इमोशंस पहले उसने कभी भी महसूस नहीं किए थे। ये मुंह वो डब्बा खोलता है और उसमें से वही पिंक वाला पत्थर जैसे आइटम निकालता है जिससे खुशबू फैल जाती है और क्वीन और ये मुंह के बीच में एक इंटीमेट सीन होने लगता है। लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि लेडी टाओ जो है वो यंग मास्टर से 10 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और 10 दिन से यंग मास्टर ने लेडी को अभी तक विजिट नहीं किया है, ना ही उनकी शादी की कोई सुहागरात वगैरह हुई है, और ऊपर से टाओ को दूसरे साइड वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। तरह तरह की बातें बनती हैं और मिसेस शीन इस बातों को सुनती है और वो अपने बेटे को विजिट करने जाती है। उनका बेटा क्वीन पूछता है कि मदर आपको आज यहाँ आने की जरूरत कैसे पड़ी? मिसेस शीन अपने साथ डॉक्टर को लेके आती है और बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी सेहत को देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो कि नहीं। डॉक्टर आता है और क्वीन की हाथ को पकड़ के उसकी पल्स को चेक करता है और पूछता है कि क्या आपको कोई डिफिकल्टी है सुहागरात बनाने में या आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है? क्वीन मन ही मन सोचता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी रिमर्स फैल रही है कि मैं सुहागरात बनाने में सक्षम नहीं हूँ और मुझे कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, इसे मैं एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ। क्वीन कागज पे लिखता है और डॉक्टर को बताता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही था। डॉक्टर कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन तुम्हें प्रिस्क्राइब करूंगा। क्वीन कहता है, थैंक यू डॉक्टर। मिसेस शीन कुछ पलट के कहना चाहती है लेकिन क्वीन कह देता है कि मदर मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, और उसी के साथ मिसेस शीन वापस चली जाती है। क्वीन एक सुंदर से पाउच में से लाल रंग का मोती निकालता है और सोचता है कि वो इसे कहाँ रखे, लेकिन
वो उस मोती के साथ खेलने लगता है और ये भी सोचने लगता है कि इस मोती को कैसे करके मैं सेफ जगह पे रखूं और कैसे इसका इस्तेमाल करूं। तभी गीनू आ जाता है और सोचता है कि ये क्या कर रहा है तू, और तभी वो गीनू के पास जाके बैठता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसे एक धागे के साथ गले में पहना देता हूँ। गीनू को मोती पहनाने के लिए थैंक यू कहता है। क्वीन उठता है और गीनू को गले लगाता है और उसे एक स्मॉल सा किस देता है। क्वीन सोचता है कि ये एक जो सर्पेंट है वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड सर्पेंट है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि मुझे दो मैजिक ट्रेजर्स मिंगशी को रिटर्न करने हैं, तो उसने ये मैजिक ट्रेजर्स मेरे पास भेजे हैं। क्वीन सोचता है कि गीनू कैसा भी है, लेकिन वो उसका रिस्पेक्ट करता है। और साथ ही नीमो ने मुझे उस टाइप की किताबें भी दिखाई थी जिसमें कई सारे चित्र थे और बड़े ही डिटेल में थे। दोनों ने मिलकर वो किताबें देखी थी जिससे उनके रिलेशनशिप में हमेशा गर्मजोशी बनी रहे। नीमो वहां पर आता है और क्वीन और यूनू एक दूसरे को देखने लगते हैं। साथ ही उनके बीच में एक किस भी होता है और ये सीन काफी इंटीमेट होता चला जाता है। क्वीन टाओ को बुलाता है और बोलता है कि मैंने जो सारी कमियां हैं फिजिकली मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, और अब कोई भी तुम्हें कुछ भी अजीब बातें नहीं बोलेगा, और यदि कोई तुम्हें अजीब बातें बोलेगा भी तो उसे लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा। ताहू सोचती है कि क्वीन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो किसी और को चाहता है। क्वीन बिस्तर पे लेट जाता है और ताओ वो कागज को लेके उस कमरे से चली जाती है। क्वीन बिस्तर पे लेटा होता है और वो उस मूर्ति को रगड़ता है, उसे छूता है, बोलता है यू क्या तुम वो पीच वाइन पीना चाहोगे जो मेरे पास कई समय से है। यीमू की आवाज सुनाई देती है, क्या तुम उस वाइन को कल लेके आ सकते हो। बिस्तर उठता है तो उसे लगता है कि यीमू का रिस्पॉन्स उसे नहीं आया और वो सोचता है कि उसके मोती की माला को क्या हो गया, अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया। यीमू एक उसी आदमी के साथ बैठा होता है जिसने उसे वो शक्तियां दी होती है, और वो आदमी कहता है कि कुछ दिन पहले तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करा रहे थे, क्यों नहीं की। और तभी यू बोलता है कि मैं ट्रेजर देखने गया हुआ था और मैं ट्रेजर ढूंढ रहा था, इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया। कमरे में अगरबत्ती जल रही होती है और ये जो अगरबत्ती होती है वो नींद लाने में मदद करती है। क्वीन आराम से सो रहा होता है उस इंसान की खुशबू में। तभी यू उसके पास आता है और बैठता है और सोचता है क्या मैं एक नोट लिख दूं, क्योंकि वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है। यू अभी देख ही रहा होता है तभी एक आवाज आती है और कोई अंदर आता है, और ये कोई और नहीं एक्सटाव होती है जो जोरी छुपे क्वीन के कमरे में आती है। क्वीन तो बिस्तर पे सो रहा होता है, फिर भी टाओ बोलते हैं कि यंग मास्टर मैं आपका इंतजार करूंगी। तभी यिमू सोचता है कि वाकई में क्वीन मैरिड है और अब उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आखिरकार दुनिया का ये जो वर्ल्ड है वो उसके वर्ल्ड से अलग है। यिमू क्वीन के गाल पे हाथ लगाता है और चला जाता है। लड़की आती है और पूछती है यंग मास्टर आपके इस बारे में वरीड है। क्वीन मन में सोचता है कि ऐसी क्या बात है जो टाओ मेरे से कह नहीं सकती है। सोचता है कि भीमू बिना कुछ बताए हुए चला गया, आखिर क्या बात हो गई जो वो चला गया, क्या वो उसके बीच में डिस्टेंस बनाना चाहता है। फ्लैश बैक, उसे याद आता है कैसे वो यीमू के चेहरे पे पेंट कर रहा होता है और सोचता है क्या वो वापस आएगा। साथ ही वो यीमू के सिर पे हाथ भी रखता है और वो दोनों कुछ बातें करते हैं, ये सब उसे याद आ रहा होता है। यीमू को याद करते करते उसे सारी पिछली बातें याद आ रही होती है और उसे ये भी याद आता है कि कैसे यीमू उसके साथ बातें करता था, और साथ में उसे ये भी लगता है कि वेट करना किसी का सबसे बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और टाओ को एहसास होने लगता है कि वाकई में क्वीन किसी और को चाहता है। टाओ को अभी भी नहीं पता होता है कि क्वीन किसे चाहता है, वो सोचती है कि वो किसी और लड़की को चाहता है, और वो बोलती है कि यंग मास्टर आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। क्वीन सिंपली टाओ को कहता है थैंक यू और उसी के साथ वो बिस्तर पे लेट जाता है और बोलती है वो लड़की कि मैं हमेशा आप ही के साथ रहूंगी। क्वीन सोते हुए सपना देख रहा होता है कि यीमू वापस आ गया है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये सब एक सपना ही होता है। जब यीमू उठता है तो उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना ही था जो उसने इतनी देर तक देखा। तब मेड सर्वेंट आती है और क्वीन को बोलती है कि आप अपने गर्म कपड़े पहन दीजिए, और क्वीन अपनी मेड सर्वेंट को देख के पूछता है कि टाओ किधर है। मेड सर्वेंट बताती है कि किसी ने टाओ को नदी में पुश कर दिया था जिसकी वजह से वो गिर गई और अभी वो कोमा में है। मिसेस शीन साउथ कोर्टयार्ड में जाती है टाओ को देखने के लिए, तभी क्वीन भी आ जाता है और क्वीन पूछता है कि टाओ कैसी है। मिसेस शीन बताती है कि अभी भी वो
उसमें है, कोमा में है और उसको होश नहीं आ रहा और डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। क्वीन सोचने लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये उसी की वजह से हुआ है। उसने सोचा था कि यदि वो टॉल से शादी करेगा तो उसे घर मिल जाएगा और उसके लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी क्योंकि वो एक ऑर्फन है। और यही सोचते सोचते सारा ब्लेम वो अपने सिर पे लेकर निकल पड़ता है और साथ में तारीखें गिनने लगता है। वो सोचता है कि यदि वो यहाँ नहीं रहता तो कितना अच्छा होता, और उसने यदि पहली बार ये शादी के लिए ना कर दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सारी बातें वो उस मोती से कह रहा होता है जो उसे यीमू ने दी होती है, और वो पूछता है कि यीमू तुम कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते, आखिर क्या ये बात सच है? वो सोचता है कि मैं इस माला को अपने घर से निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें से कोई रिस्पॉन्डिंग नहीं होती है। तभी यीमू का हाथ आता है और उसे रोक लेता है क्योंकि यूनु अब आ चुका होता है, और वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? और तभी क्वीन बोलता है कि मैं इस माला को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी यूनु बोलता है कि इसे तुम कभी मत अपने से दूर करना, और वापस उसे वो माला पहना देता है। क्वीन सैडनेस में यूनु को हग कर लेता है। दूसरे दिन क्वीन अपनी मेड सर्वेंट के साथ जाके ताओ को देखने जाता है। ताओ बहुत ही बीमार होती है और मेड सर्वेंट कहती है कि लगता नहीं है कि ताओ आज रात को सर्वाइव कर पाएगी। तभी क्वीन टाओ को हाथ में लेके सोचता है कि क्या किया जाए, और वो अपना एक डब्बा खोलता है जिसके अंदर कुछ होता है और उस डब्बे को आग में फेंकता है। मेड कहती है कि आप क्या कर रहे हैं? तो क्वीन बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उसमें एक जड़ी बूटी को निकाल के कप में डालता है और वो उसका सिरप बना के मेड उसे सर्व करने लगती है। ये एक दवाई होती है। वो लोग किसी तरह टाओ को ये दवाई पिलाते हैं कि टाओ ठीक हो जाए। क्वीन भी उसे दवाई पिलाता है। टाओ फिर ये दवाई का उपयोग वो करता है, और जबकि ये दवाई उसके लिए होती है लेकिन फिर भी उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। तभी टाओ उठ जाती है और देखती है कि सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं। क्वीन उसको होश में आता हुआ देख के खुश होता है। क्वीन बोलता है कि ये दवाई तुम्हारे लिए है। टाओ सिर्फ उसको देखती रह जाती है, और टाओ को ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और हम लोगों को बोल देंगे कि तुम मर चुकी हो लेकिन तुम अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ कहीं और जाके जी सकती हो। ये सब बताने के बाद उन्होंने ये फैसला किया होता है कि टाओ यहाँ से चले जाए। टाओ क्वीन की बातें सुनकर बस क्वीन को देखती चली जाती है और क्वीन को बोलती है, जैसा आप चाहें यंग मास्टर, मैं कभी भी आपके द्वारा की हुई चीजें और एहसान और मेरी जान को बचाने के लिए एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रात हो चली होती है और सन्नाटा सा छाने लगता है। तभी जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां पर वो उसे यूमू को दिखाई देता है। यूमू को देखकर वो अपने हाथों से एक ब्रश को लेने की कोशिश करता है, ब्रश को देखना चाहता है। यूमू उसको देखता है, पूछता है क्या हुआ, और तभी क्वीन बताता है कि ये सब जो कुछ हुआ है उसकी वजह वही है और शायद ऐसा नहीं होता। तभी वो बोलता है कि तुम अपने आप पे सारे ब्लेम मत लो। क्वीन जब यीमू को देखता है तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। यीमू उसके सिर में हाथ लगाता है, बोलता है ज्यादा परेशान मत हुआ करो, और साथ ही उसे बोलता है कि तुम काफी दुबले हो गए हो, तुम्हें अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्वीन बोलता है, यीमू क्यों ना तुम मेरे साथ हमेशा ही रहो? और यह सुनकर यीमू कुछ कहता नहीं है, बस उसे गोद में उठाता है और क्वीन एक स्माइल देता है। यह स्माइल सिर्फ क्वीन यूं को ही रहता है। यूं का हाथ जो है वो सिर्फ क्वीन के लिए ही है, और क्वीन का हाथ जो है वो यूं के लिए ही है। दोनों मिलकर बातें करते हैं और क्वीन बोलता है कि आज मैं शुरू करूंगा और मेरे पैर नहीं चलते तो क्या हुआ, मैं अपने हाथ तो चला ही सकता हूँ। उनके बीच में इंटीमेट सीन होना चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तभी यूं उसके दोनों सिर के पास हाथ रखता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, और क्वीन भी इसी बात से खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा के सुकून से बैठ जाते हैं। इसके बीच में इंटीमेट सीन शुरू होने ही वाला होता है। तभी यीमू को क्वीन होल्ड करता है और बोलता है कि क्वीन बोलता है कि ये तुम बॉक्स को रखो, इसमें जो चीज है आज तुम उसे इस्तेमाल करो, तुम उसे लगाओ मुझ पर, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे लगेगी तुम जब मुझ पर वो चीज लगाओगे तो। और ये कोई चीज होती नहीं है, ये एक तरह का बाम होता है जो उनके इंटीमेट सीन के लिए काफी प्लेजर वाला होता है। और तभी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और क्वीन और यीमू एक दूसरे को देखते हैं। यीमू अपना सिर क्वीन की गर्दन में छुपा लेता है और क्वीन बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये मेरे मन की डिजायर थी। तभी यीमू बोलता है क्या कहा तुमने, और इसी के साथ वो
क्वीन को थोड़ा दूर कर देता है, लेकिन क्वीन को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। इमू बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, और तभी क्वीन बोलता है कि नहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ ही मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ, जो शुरू किया उसे खत्म करके जाओ। तभी दोनों में इंटीमेट सीन होता है, और वो बोलता है क्वीन इमू क्वीन को मना नहीं कर पाता, और वो उसके पीछे हाथ प्रेरक करता है। और तभी क्वीन भी इमू के सिर पर हाथ देते हुए सोचता है कि आगे क्या ही होगा। दोनों एक दूसरे के साथ शांति में बैठे हुए होते हैं। इमू बताता है कि यदि वो उसके साथ शादी करेगा तो उसकी जिंदगी के कुछ वर्ष कम हो जाएंगे। तभी भीम बोलता है कितने ही वर्ष कम हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 साल 5 साल, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। और तभी क्वीन बोलता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जो खुशी मुझे तुम्हारे साथ मिलती है वो खुशी मुझे किसी और के साथ नहीं मिलती। इमू उसकी बात सुनता तो है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या ही करे, तो बस वो उसे अपने गले से लगा के बैठ जाता है और सोचता है कि क्वीन को समझाना मुश्किल है। क्वीन बोलता है कि वैसे शादी करने के बहुत सारे फायदे हैं, तुम्हें एक घर भी मिल जाएगा। इमू उसकी तरफ देखता है और बस देखता ही रहता है। दूसरे दिन नितिशीन आती है और क्वीन को बोलती है हमने तुम्हारे लिए दूसरी शादी का प्रबंध किया है, और ये जो लड़की है जिसको हमने प्रबंध किया है वो बैंक फैमिली से है। कहता है कि मजर आप जानती हो कि मैं कितना सिख रहता हूँ और मैं दिवाइयों के बिना नहीं रह सकता, और मैं किसी और के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना चाहता हूँ। सिंह कहती है कि ऐसी सब बातें मत करो, और जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं उन बच्चों को खुद ही देखूंगी। सिंह सिंह से कहता है कि आपको थोड़ा मर्सीफुल होना चाहिए, ये भी तो सोचो कि जो लड़की मुझसे ब्याह के लाओगे उसकी जिंदगी का क्या होगा। वही सोचता है कि मिसेस शीन हमेशा से ही ऐसी रही है, अपनी इच्छाएं दूसरों पे थोपने वाली, वो किसी का भी बुरा भला नहीं सोचती है। क्वीन सोचता है कि मुझे कभी से भी मिसेस शीन पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी जो असली माँ थी उसे बड़ा ही दुख होता था जब मैं इनकी बुराई करता था। तो क्वीन को फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि वो चल नहीं सकता है। क्वीन को लगता था कि उसकी आंटी काफी अनॉइंग है और वो उसे बिल्कुल देखना पसंद नहीं करता था। क्वीन को ये आंटी एक आंख भी नहीं भाती थी और उसको इनसे बहुत ही नफरत थी, लेकिन आंटी हमेशा कहीं ना कहीं उसकी हर चीजों में बाधा डालती आती थी, और ये बोलती है कि कोई बात नहीं रे, तुम नहीं चल सकते, तो ये सब मेरा ही फॉल्ट है। तभी क्वीन का जो भाई है वो आता है, जो उसका स्टेप ब्रदर है, और फिर वो बोलता है कि मतलब ये उनकी ऑफिशियल फैमिली है, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतने ही हैं। उनका छोटा भाई रोने से लगता है अपनी माँ की गोद में बैठ के। मिसेस शीन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो बोलती है क्वीन को कि तुम्हें बड़े भाई हो और तुम्हें अपने छोटे भाई की देख रेख करनी चाहिए, तुम्हें उसे ऐसे बुली नहीं करना चाहिए, ये करना गलत है। उनको समझ में नहीं आता कि इतना फेवर बड़े भाई के लिए करने की क्या जरूरत थी, और उसे याद आता है कि कैसे वहां पर एक बार आग लग गई थी जिस आग में वो दोनों फंस गए थे, और जो उसका छोटा भाई है वो कैसे रो रहा था। तभी क्वीन ने सोचा कैसे अपने भाई को बचाया जाए, और वो अपने भाई को बचाने के लिए अंदर चला जाता है, ये भी नहीं सोचता है कि आग लग गई है। वो किसी तरह अपने भाई को तो बचा लेता है, और लेकिन उसके पाँव इंजोर हो जाते हैं। दोनों बैठ के रोते हैं, और कभी भी इस बात का जिक्र दोनों में से किसी ने भी नहीं किया होता है, आज की तारीख तक किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया होता है। कुछ सोचते हुए क्वीन का फ्लैशबैक खत्म होता है, और तभी इमू वहां पर आता है और देखता है कि क्वीन कुछ पी भी रहा है, और वो बोलता है कि दुनिया बहुत खराब होती है, जो जैसा करता है उसे वो वैसे ही मिलता है, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज के लिए गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। दूसरों ने तुम्हें परेशान किया इसलिए तुम्हारा मन उनकी वजह से खट्टा हो गया है। इमू क्वीन को एक कहानी सुनाता है कि एक यंगर ब्रदर ने अपने 20 साल के वर्षों में बहुत ज्यादा काम किया, और एक दूसरा जो उसका भाई था उसने राजगद्दी को हासिल किया, लेकिन एक टाइम था जब उसकी राजगद्दी चली गई और वो हेल्प के लिए अपने बड़े भाई के पास ही आया। इमू क्वीन को तसल्ली देता है कि जो कुछ वो सोच रहा है वो सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दुनिया ऐसे ही चलती है, कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। और साथ ही इमू उसकी बातों को सुनता है शांति से और समझता है, और उसका जो हाथ है उसे बड़ा ही सूदिंग लगता है। इमू उसको अपने से गले से लगा के उसे और तसल्ली देता है।